दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो बैंकिंग मर्जर की न्यूज़ आई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है रिक्रूटमेंट के ऊपर और एस्पिरेंट के मायने में ये न्यूज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा, तो आप इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अभी ये पोजीशन है कि जो टोटल 12 गवर्नमेंट बैंक जो हैं वो केवल अब रह जाएंगे 2019 में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बैंकों का मर्जर जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि मर्जर्स बेसिकली हैं क्या और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कितने अब यहाँ पर बचेंगे और इसका रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो करंट रिक्रूटमेंट हो रहा है या फिर फ्यूचर रिक्रूटमेंट होगा, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि IBPS क्लर्क का एग्जाम आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और जो बैंक का हेल्थ स्टेटस है वो कितना इम्प्रूव होगा इस मर्जर और एक्विजिशन के बाद में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पांच बड़े मर्जर आपने, जो चार बड़े मर्जर यहां पर आपने देखे हैं वो क्या हैं। पहला मर्जर वन है पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा मर्जर हुआ है कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का। और तीसरा मर्जर जो है ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। और जो नंबर फोर मर्जर है वो है हमारा इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक का। ठीक है, अब इसके कई सारे फायदे भी हैं और कई हद तक जो है यहाँ पर हमें थोड़े से नुकसान भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम फ्यूचर इम्पैक्ट देखें तो कहीं ना कहीं पर जो बैंक का हेल्थ स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा और फ्यूचर परस्पेक्टिव से ये न्यूज़ थोड़ी ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर जो सबसे बड़ा बैंक है वो आप सभी को पता है कि पहले SBI था, उसके बाद जो है अब PNB हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो बैंक के स्टेटस हैं वो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो राइट नाउ अभी जो हमारे पास 12 बैंक हैं वो इस तरीके के बैंक देखने को मिलेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक ये बैंक। इसके बाद कैनरा सिंडिकेट बैंक, तीसरा है इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक। इसके बाद ये इंडिविजुअल वर्क करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखें कि ये जो मर्जर हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो बड़ी बैंक है उसका ज़्यादा NPA, क्योंकि छोटे बैंक जो हैं उनके पास वैसे भी लोन देने की जो कैपेबिलिटी थी वो वैसे ही कम थी। ठीक है, तो जो लार्ज NPA हैं वो जो छोटे बैंक हैं जिनका कम NPA है उनके साथ में उनको जो है आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखें कि पहले क्या हुआ था। जब आपने देखा कि SBI का जब मर्जर हुआ था, ठीक है, तब उस समय पर जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं वो बहुत उस साल तो नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब आई तो वो 10,000 आई। ओके, तो इस मायने में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव वे में हम इस न्यूज़ को ले जा सकते हैं। अगर मर्जर हो रहे हैं तो मे बी वैकेंसीज एक साल ना आए, लेकिन उसके बाद वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तो ये 50-50 का पूरा केस हो जाता है। तो लेकिन इसके अलावा हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने देखा होगा जब SBI का मर्जर हुआ तो क्लर्क तो नहीं आया, लेकिन PO आपका आया, ठीक है, वही 2,000 के आसपास में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इम्पैक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर पड़ रहा है बिल्कुल, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको अपने आप को सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है इस एरा में, तो जो भी आपके सामने दिखेगा आपको उसके ऊपर अपने जो है अपना 100% देना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि सर बैंक को छोड़कर क्या SSC या अदर मूवमेंट्स में, अदर टाइप की जॉब्स में क्या हमें फोकस करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बैंक के अलावा आपको और भी फॉर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका जहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए आप वहाँ पर अपना सिलेक्शन लें, आप किसी एक के ऊपर जो है बिल्कुल सेंटर फोकस ना करें। ठीक है, क्योंकि अब करंट टाइम पर जो क्राइसिस है वो हम सभी को देखने को मिल रहा है, और जब अपॉर्चुनिटीज़ ही कम होंगी तो वहाँ पर हम किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, कंपटीशन का वेयर बहुत ज़्यादा हाई वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम अपने फोकस को थोड़ा सा चेंज करें। जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर इस सेक्टर में भी हम जॉब ले सकते हैं, तो आप वहाँ पर बिल्कुल अपना ध्यान रखें और आप उसके ऊपर काम करें। ओके, अब रही बात IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम की कि ये एग्ज़ाम आएगा 2019 में या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 100% ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको कम और ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें कैलेंडर में मेंशन है। ये अपना ऑन टाइम होगा, लेकिन हाँ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ओके, तो अपना फोकस जो है अभी
करंट एग्ज़ाम के ऊपर पूरा पूरा रखो, ये मत सोचो कि अब क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें अपने गोल को जितनी जल्दी हम अगर अचीव कर लेंगे उतना ही हमारे बेटरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। ओके, तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कई सारी जो बैंक है इनकी सिचुएशन और भी ख़राब कैसे हो जाती है। ओके, आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CAR, ये होता है कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत टाइम पहले जब आर्थिक मंदी आई थी तो क्या होता है कि बैंक अपनी कैपेसिटी जो बैंक की होती है उससे ज़्यादा बैंक जो है जब लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि लोन को वापस नहीं कर पाएगी तो बैंक उस कंपनी को भी लोन दे देते हैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, कि कभी अगर कुछ चांस आया तो मुझे कुछ तो मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब 2008 था, ठीक है, सितंबर, तो उस समय पर क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी जिसका नाम था फर्म लेमन ब्रदर्स, ठीक है, ये पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गई थी। ओके, क्योंकि इसने क्या लिया था, इसने जो है सब प्राइम लेंडिंग लोन्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए थे। सब प्राइम लोन्स कौन से होते हैं, वो मैंने बताया आपको ना कि वो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत बेकार होती है, इनका सिविल वगैरह ख़राब होता है, लेकिन उनको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक दे देती है। तो ये दोनों लोगों के लिए खतरनाक है, एक का तो वापस नहीं आएगा और दूसरी को जब मिल नहीं रहा है तो वो हाईएस्ट इंटरेस्ट पर तो ऑब्वियसली ले रहा है, ठीक है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन रेज ना हो तो इसके लिए RBI ने ही जितने भी बैंक हैं इनको कहा कि आप लोग एक काम करो कि अपने पास कुछ अमाउंट जरूर रखोगे, ठीक है। तो ये कहा कि आप CAR के ऊपर यहाँ पर बात की गई, ठीक है, तो इसमें कहा कि आप उतना ही जो है आप जितना लोन दोगे, ठीक है, तो जो एक अमाउंट अपने पास रखोगे उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट और कहीं पर आप नहीं बांट पाओगे, नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये फंडा इनका यहाँ पर था। ओके, और इसके लिए क्या है कि बेसल ने अपने नॉर्म्स तय किए कि कितना पैसा किसको कितने पास रखना होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, Tier 1 Tier 2, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया था, ठीक है। अब जैसे आप सीधा सीधा ये समझ लो कि अगर बैंक ने किसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है उसे अपने पास रखना होगा, ठीक है, तो उसका जो CAR है वो कितना हो गया, कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो, वो उसका हो गया 10%, ठीक है, जितना वो लोन दे रहा है अपने पास रख रहा है, ठीक है, तो 10% जो है वो अपने पास रख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें RBI ने कहीं, और कई हद तक बैंक जो है NPAs में डूबे हुए हैं और उनकी बेहतर स्थिति के करने के लिए ऐसा कदम जो है उठाया गया। ओके, अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है, NPA जो है वो रिड्यूस होगा, ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का जो NPA जितना होता है ना उतना उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, अपने प्रॉफिट में से। तो अगर NPA कम होगा तो उतनी कम उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और इससे उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर बैंक का लॉस में जाना जो है वो एक मेन रीज़न है, जो वैकेंसी कम है और क्योंकि उन्हें अपनी कॉस्ट को भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी बहुत ज़रूर कम होगी, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से अगर आप कहोगे मार्केट कोलैप्स कर जाएगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखो और आने वाले दिनों में ये चीज़ परफॉर्म देखने को आपको मिल जाएगी। और इसके अगर प्रॉस की बात करें तो बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब दो बड़े बैंक एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, या फिर एक छोटा बैंक एक बड़ा बैंक आ रहा है तो उनके पास में जो मैनेज है, ठीक है, वो थोड़ा और वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उनकी जो लैंडिंग कैपेबिलिटी है साथ मिलकर इंक्रीज़ हो जाएगी, कस्टमर सर्विस जो है वो उनका इंप्रूव होगा और जो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल है ये भी उनका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी अर्लियर कि जो लोअर NPA है उनको जो लार्जर NPA जिनका है उन बैंक के साथ में जो उनके बैड उनको भी मैनेज करना पड़ेगा और कॉस्ट कटिंग भी हमें देखने को वहाँ पर मिलेगी। रिक्रूटमेंट स्टाफ जो है ये मेजर कंसर्न होगा, कहीं पर बिल्कुल नया स्टाफ होगा, कहीं पर आप देखोगे बहुत ही पुराना स्टाफ होगा, तो दोनों को आपस में जो है एक साथ जो है कंपनसेट करना ये भी एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। और जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट है ये थोड़ा सा डाउन रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि आप इस न्यूज़ को एक न्यूज़ की तरह लो, ठीक है, और जो आप अपनी तैयारी करो आप इसके ऊपर पूरा फोकस करो, क्योंकि आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। आप जो है केवल अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़े से और भी अपने आप को ब्रॉड वे में ले जाना होगा। कुछ अदर एरियाज हैं जहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हो, जहाँ आप लैक कर रहे हो, आपको उस एग्ज़ाम के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का विज़न लेकर आए हो तो कहीं ना कहीं पर हमें कुछ और भी अपने दायरे बढ़ाने होंगे, जिस हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है और हमारी GDP भी 5 पर आ गई है और ये बैंक का मर्जर हो गया, तो दोनों धमाके एक साथ हुए। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट है बिल्कुल, और वैकेंसीज के ऊपर ये नौबत जो है अच्छी आ गई है एक बार। ओके,
लेकिन आप अपनी मेहनत को पूरी तरीके से आप आगे बढ़ाओ, और जैसा ही कोई मौका मिले आपके पास सिलेक्शन लेने का किसी भी बैंक में कहीं पर भी, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखो और करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मर्जर हो रहा है तो कोई स्टाफ जो है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बैंक का मर्जर हुआ तो उसकी नौकरी चली गई, नौकरी नहीं जाएगी। ओके, क्या है कि वहाँ पर जो उनके इंटायर मैनेजमेंट है उसको आपस में जो है मर्ज होकर काम करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, टाइम टू टाइम पर आता है, और ये चुनाव से पहले जब आपने देखा तब भी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा नहीं था कि यार आने वाले दिनों में आरबीआई ने भी पैसे की बात की, गवर्नमेंट को हम इतना पैसा दे रहे हैं और बैंकों की हालत और भी अच्छे दिन करी जाए, ठीक है। तो क्या है कि जब ये मर्जर हुआ है तो बैंक की पोजिशन को अच्छा करने के लिए हुआ है। ओके, मिलेंगे एक बार अगली वीडियो में फिर से, और अभी तक के लिए इतना ही अपडेट है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखो, अगर कहीं पर फिर भी लग रहा है तो आप अपने एग्ज़ाम के दायरे को बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस अपने आप को इस एग्ज़ाम में रखो, सेंटर में रखो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, थोड़े देर से मिलेंगी लेकिन मिलेंगी ज़रूर। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, और अपने विचार आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर रख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।